जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका अपना आईटी चैनल मैथ स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनील कुमार। देखिए आज मैं टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लास लेकर के आया हूँ, यानी कार्य और समय। देखिए और देखिए डे, डे मतलब क्या होता है? दिन। डे और क्या है? पार्ट। पार्ट मतलब क्या होता है? भाग। अब देखिए इसे डे क्या है? डे मानिए एक किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में, तो क्या कहलाएगा? डे कहलाएगा। जैसे मानिए बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में, तो क्या कहलाएगा? डे कहलाएगा। अब देखिए यहां से भाग क्या है? अब देखिए भाग, ये डे तो हो गया, भाग देखिए भाग क्या है? मानिए ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में क्या करेगा? 15 दिन, क्या कहा? दिन नहीं डे। ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन, यानी 15 दिन में करता है, यानी 15 डे हो गया। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो क्या कहलाएगा? 1/15 भाग, यानी पार्ट कहलाएगा, यानी भाग। अब कहेगा दो दिन में कितना करेगा, तो क्या कहलाएगा? 2/15 भाग कहलाएगा, यानी पार्ट का क्या होता है? भाग होता है। देखिए अब यहां से अब देखिए टाइम एंड वर्क में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? देखिए महत्वपूर्ण चीज पार्ट एवं डे, एक दूसरे का उल्टा होता, उल्टा होता है। पार्ट एवं डे एक दूसरे क्या होता है? उल्टा होता है। देखिए अब देखिए यहां से एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, एक किसी काम को कितने दिन में करता है? एक करता है 10 दिन में। माने बी करता है कितने दिन में? 10 डे हो जाएगा। बी करता है कितने दिन में? 15 दिन में, 15 डे कहलाएगा। अब देखिए दोनों मिलकर कहेगा तो क्या करेंगे? दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो क्या करेंगे? इसको दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इस तरह से लेंगे। बराबर 30 हो जाएगा। अब देखिए टोटल काम इसका कितना हो गया? 30 हो गया। यहां से क्या करेंगे? टोटल काम हो गया इसका कितना? 30 हो गया। टोटल काम तो 30 हो गया। अब देखिए क्या है, 10 दिन में कितना काम करता है? देखिए टोटल काम इसका हो गया 30, 10 दिन में क्या करता है? 10 से इसमें भाग देंगे हम, क्या हो जाएगा? 3 काम, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। टोटल काम कितना है? 30 है। अब देखिए 15 क्या है? दिन है। 15 से भाग देंगे तो टोटल काम कितना हो गया? 2 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। टोटल काम 30 था, दिन से भाग देते क्या निकला? 2। 2 क्या है? काम है, हो गया। टोटल काम था 30, अब यहाँ 15 दिन से भाग देते क्या निकला? 2 काम, यानी एक दिन में कितना, 15 एक दिन में बी कितना करता है? 2 काम करता है। अब दोनों मिलकर के बोला गया है तो क्या करेंगे? यहां से टोटल काम 30 है, क्या करेंगे? काम, यह काम और काम को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 5 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 5। इसको काटेंगे कितना दिन लगेगा? 6 दिन। अब देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा, इसको फिर सेकंड मेथड हम बता रहे हैं इसी क्वेश्चन का, 6 दिन इसका हो गया। अब देखिए इसी का क्या करेंगे शॉर्ट में? एक करता है, एक करता 10 दिन में, 10 डे कहला है। बी करता है कितना? 15 दिन में, 15 डे। अब देखिए इसको क्या करेंगे शॉर्ट में? एक ट्रिक है, जब ट्रिक देखिए यहां से क्या करेंगे, ए बी बट्टा ए प्लस बी। अब देखिए यहां से ए क्या है? ए बराबर 10, तो ए 10 क्या करेंगे यहां? 10 गुना बी कितना है? 15,
15 लिख गुना करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी, ए कितना है 10, यहाँ 10 और प्लस क्या करेंगे बी कितना है 15, यहां से 10 गुना 15 बट्टा क्या करेंगे टोटल जोड़ करके 25, इसे कटेगा 5 से कटेंगे 2 होगा 10, इसको कटेंगे 5, 5 दिया कितना होगा 15, 6 दिन हो जाएगा टोटल, 3 दुना 6। अब देखिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन की ओर, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। यह बोला गया है बी कितने दिन लेगा। अब देखिए क्या बोला गया है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन में समाप्त करता है, ए कितने दिन में करता है। अब देखिए 12 दिन टोटल कितना है, ए 12 दिन में करता है, बोला गया है ए और बी। अब बोला गया है ए की तुलना में बी क्या है 60% अधिक है। अब मानिए ए 100% हो गया, बी कितना हो जाएगा 60% अधिक बोला था, 160% हो जाएगा। अब इसको 20 से काटेंगे तो क्या होगा 5, अब इसको काटेंगे 20 से क्या होगा 8। अब देखिए बोला गया है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए बोला गया 12 दिन में करता है तो ए का काम हो गया 12, यानी 12 दिन हो गया, ए 12 दिन में करता है। अब बोला गया देखिए ए कितना काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे। अब बोला गया बी कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे बी कितने दिन में, तो क्या करेंगे बी से भाग दे देंगे, बी कितना करता है, बी बोला बी जिसको निकालने के लिए कहेगा उसको क्या करते हैं हम नीचे हम रखते हैं, 4 दुना 8, 4 तिया क्या होगा 12, क्या हो जाएगा 5 तिया 15 बट्टा 2, यानी 7 पूर्णांक 1 बट्टा 2 दिन। अब देखिए 7 पूर्णांक 1 बट्टा 2 ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ए देखिए यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। जब बोला गया है ए और बी तो क्या करेंगे, ए प्लस बी कितना दिन में करता है 15 दिन में। अब देखिए बी अकेला काम करता है कितना दिन में, तो ई अकेला करता है 20 दिन में। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 20 का, तो क्या हो जाएगा 5 से लगा देंगे 3 4 कितना होगा 12 पंचे 60, टोटल काम कितना निकला 60, टोटल काम 60 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे ए और बी, यानी ए प्लस बी कितना होगा 15 दिन, दोनों मिलकर क्या करता है ए और बी मिलकर 15 दिन में करता है, 60 काम हो गया टोटल, तो क्या करेंगे दिन से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 4 काम हो गया। ए और बी दोनों मिलकर कितना क्या करता है, एक दिन में 4 काम करता है। अब देखिए इस टोटल काम है 60, क्या है बी कितने दिन में करता है 20 दिन में, तो 20 या 60 कितना हो गया, बी अकेला एक काम कितना दिन में करता है 3 काम करता है एक दिन में। अब देखिए दोनों मिलकर 4 दिन में, तो यानी ए और बी मिलकर कितना दिन में किया 4 दिन में, ए और बी 4 काम करता है एक दिन में, यहां क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या, ए और बी दोनों मिलकर करता है 4 दिन में, क्या यहां करेंगे ए प्लस बी एक निकालेंगे, ए बी का दिया है कितना 3 दिया है, तो 4 टोटल हो गया ए प्लस बी, यहां से 3 घटा देंगे तो ए कितना करता है एक काम। अब देखिए यहां से ए करता है एक काम, बी करता है 3 काम एक दिन में। अब यहां से देखिए एक काम किया, एक क्या है 3, टोटल 3 काम, तो बी क्या है 3 काम, ए करता है एक काम, टोटल काम की देखिए 4 हो गया।
अब बोला है ए अकेला कितना दिन में करेगा, ए बोला है अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना हो गया 60, क्या करेंगे 60 लिखेंगे। ए बोला है तो ए अकेला ए कितना एक काम करते एक दिन में क्या करता है एक काम करता है, ए एक काम करता है एक दिन में, तो इसको 60 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो क्या करेंगे ए से भाग देंगे एक दिन में, तो क्या हो जाएगा 60 दिन हो जाएगा, ए को लगेगा 60 दिन लगेगा। ए ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है 60 दिन है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राम श्याम से दोगुना गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो राम अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। अब देखिए क्या है राम या क्या लिखे श्याम, राम क्या है राम श्याम से दोगुना है, राम करता है मानिए 100 काम, तो क्या करेगा श्याम करता है 100 काम तो राम क्या करेगा 200 काम करेगा, अगर राम काम क्या करते श्याम अगर एक काम करेगा तो राम क्या करेगा दो काम करेगा, इससे क्या है दोगुना है। अब देखिए राम श्याम से दोगुना गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को क्या 12 दिनों में पूरा करे तो राम अकेला बोला गया, राम अकेला कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर बोला गया क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों मिलकर बोला गया है, अब मानिए 12 है दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है टोटल कितना हो गया काम 3 काम हो गया, क्या बोला गया राम अकेला करेगा, तो राम अकेला एक दिन में कितना काम करता है, राम एक दिन में 2 काम करता है, क्या करें राम का बोला है इसीलिए क्या करेंगे राम का बट्टा में लिख देंगे, राम काम हो गया बट्टा में, देखिए क्या होगा 6 × 12 क्या होगा 6 × 18 इसको इस गुणा करके लिख दिए कितना दिन लगेगा 18 दिन। अब देखिए 18 दिन ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा यह सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए बोला है ए कितना बोला है, ए बोला है 18 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है। अब देखिए क्या करेंगे हम दोनों का एलसीएम लेंगे अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे क्या करेंगे 18 और 15 यानी 15 और 18 को लीजिए 15 और 18 का एलसीएम लीजिएगा क्या होगा 90 हो जाएगा 5 6। अब देखिए नब्बे हो गया क्या होगा टोटल काम इसका 90 हो गया। अब देखिए इस टोटल काम में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 15 यानी 90 में क्या करेंगे 18 से भाग देंगे 18 × 5 = 90 क्या हो गया एक काम करता है एक दिन में 5 काम। अब देखिए 90 में किससे भाग देंगे 15 से 6 हो जाएगा। अब देखिए ए क्या करता है ए काम बी करता है एक दिन में 6 काम। अब देखिए एक दिन में बी करता है 6 काम यहां बोला गया बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया दोनों तो साथ है स्टार्ट किया था तो काम टोटल हो गया कितना 90 दिन हो गया। अब देखिए बी करता है अकेला 10 दिन काम करके छोड़ देता है तो एक दिन में बी करता है 6 काम तो 10 दिन में क्या हो जाएगा 10 × 6 = 60 होगा। अब 60 काम करके भी क्या करता है छोड़ देता है टोटल काम कितना है 90 है। अब 60 काम भी करके छोड़ देता है तो बचा कितना काम शेष बचा कितना काम 30 काम। अब देखिए ए अकेले ने
ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा, तो बोला गया है ए कितने दिन में पूरा करेगा शेष काम, तो शेष काम तो हमारा यहाँ क्या है 30 है। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 काम करता है, तो क्या करेंगे यहाँ 30 बट्टा क्या करेंगे 5, टोटल काम 30 था, ए एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है, तो क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30 यानी 6 दिन हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में?